तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका कामरान जून। आज हम लोग आए कॉइन एग्जीबिशन कोलकाता में। जी हाँ गाइज, ये कॉइन एग्जीबिशन है। तो चलिए चलते हैं कॉइन एग्जीबिशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हावड़ा में रहते, तो हम लोग हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं कॉइन एग्जीबिशन की तरफ। तो ये कुछ खूबसूरत सा व्यू है हमारे प्यारे प्राइड हावड़ा ब्रिज का। जी हाँ गाइज, ये हावड़ा ब्रिज का पूरा व्यू। हावड़ा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग अब आ चुके हैं कैनिंग स्ट्रीट के पास। ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट पर नहीं बोल सकते, पर कोलकाता का। उसके बाद हम लोग आ गए टीपू सुल्तान मस्जिद, और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मतला एस्प्लैनेड। एस्प्लैनेड में हम लोग अभी बाइक से अपने जा रहे हैं। और ये देखिए गाइस, मेरे सामने है द ग्रैंड ओबेरॉय, ओबेरॉय होटल, ओबेरॉय ग्रैंड होटल मेरे सामने है, जो कि काफ़ी पॉपुलर 5 स्टार होटल्स में से एक है कोलकाता में। और ये देखिए न्यू मार्केट, जो कि क्लोथ्स मार्केट है, आप लोग जानते होंगे न्यू मार्केट के बारे में। और न्यू मार्केट क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं द वेरी पॉपुलर इंडियन म्यूज़ियम, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल और ओल्ड म्यूज़ियम है। 1814 में इसको स्टेबलाइज किया गया था इंडियन म्यूज़ियम को। तो गाइस, यही कुछ है इंडियन म्यूज़ियम का व्यू। तो इसका पर्सनल ब्लॉग मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा, दिखलाऊँगा। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हमें कॉइन एग्जीबिशन में जाना है, तो हमारे पास टाइम कम है। तो चलिए बढ़ते हैं कॉइन एग्जीबिशन की तरफ। तो ये अभी पार्क स्ट्रीट के रोड से मैं क्रॉस हो रहा हूँ, मैप देख रहा हूँ, क्योंकि हमें जाना था बालीगंज में हल्दीराम बैंक्वेट में हमारा प्रोग्राम वेन्यू सेट हुआ था। तो वहीं की तरफ बढ़ रहे गाइस, आप लोग जब तक व्यू एंजॉय करें। मेरे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम बैंक्वेट के बाहर, जहाँ मैं आना था वहाँ आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी सारा स्टॉल्स लगा हुआ था कॉइन का एग्जीबिशन, तो फिलहाल अंदर बैंक्वेट में था, पर उससे पहले हम लोग बाहर में काफ़ी सारा स्टॉल लगा था, जो लोग सस्ते दाम में अच्छा अच्छा कॉइन बेच रहे थे। जो लोग अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते बैंक्वेट में, वो लोग बाहर अपना स्टॉल्स लगाते, पर उनके पास भी काफ़ी अच्छा और एंटीक कॉइन रहता, वो भी सस्ते दाम में, तो आप लोग उनसे भी खरीद सकते अपने कलेक्शन के लिए। तो ये कुछ है हल्दीराम बैंक्वेट का व्यू। तो यहाँ पार्किंग में हम लोग फिलहाल अपना गाड़ी लगाने जा रहे हैं। और ये इसके इनका यहाँ आउटलेट भी हल्दीराम का, तो आप यहाँ से फूड कोर्ट भी यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं, और खाते खाते आप एग्जीबिशन का ही मज़ा ले सकते हैं। तो ये एग्जीबिशन बिल्डिंग है, यही बैंक्वेट वाला बिल्डिंग है, तो इसी के अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ का पहले स्ट्रीट में जो स्टॉल लगा वो आपको विजिट। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामरान जून। आज हम लोग कुछ न्यू ब्लॉग बनाने वाले हैं। हम लोग आए हुए हल्दीराम बैंक्वेट में, जहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ, तो हम लोग आपको दिखलाएंगे कैसा कॉइन एग्जीबिशन में किस किस तरह का कॉइन आया हुआ है, कौन कौन शेयर्स आया हुआ, कौन कौन मिंट का कॉइन है, हम लोग सब आपको दिखलाएंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम बैंक्वेट। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और आपको एग्जीबिशन का दिखलाते हैं कैसा कैसा कॉइन है। और आप लोग अगर बाई करना चाहते तो आप लोग भी हैं, एग्जीबिशन साल में एक बार लगता है, तो आप लोग यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ रोड में भी, बाहर में भी, स्ट्रीट में भी काफ़ी सारा कॉइन्स वगैरह मिल रहा है, वो भी चीप रेट से लेके महंगे तक का यहाँ कॉइन अवेलेबल। तो आप लोग आए और यहाँ पर कॉइन ले, ये देखिए गाइस, स्ट्रीट में भी यहाँ पर सारा कॉइन है, कॉइन्स, नोट्स, पोस्ट स्टैम्प, सारा चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। इसका लोकेशन बालीगंज के पास है, तो आप लोग आए विजिट करें। मैं बैक से इसका व्यू आप लोग को दिखला रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने काफ़ी एंटीक सब सामान रखा हुआ था, पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह, वेसल्स सब। और ये देखिए, काफ़ी एंटीक पीस कॉइन, और ये पुराना 1 का नोट, 20 का नोट, और फॉरेन कॉइन। और ये जैसे कि देख सकते हैं, ये शिवाजी महाराज का कॉइन था। जी हाँ, जो कि महाराष्ट्र में रूल कर चुके थे, जो महाराज शिवाजी, उनके कॉइन था। तो कॉइन देखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और स्टॉल सब है। तो हमने यहाँ 2-3 कॉइन भी बाई किया है, गिरीस का भी कॉइन हम लोग एग्जीबिशन हॉल से लिए थे। तो पहले यहाँ बाहर का आप लोग व्यू देख लीजिए। तो यहाँ अभी हम लोग की तलाश हो रही है टीपू सुल्तान की कॉइन की, तो हम लोग टीपू सुल्तान का कॉइन यहाँ तलाश कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छा अच्छा रूलर का कॉइन था, तो हम लोग देख रहे हैं अगर कुछ पसंद आता तो हम लोग यहाँ से भी बाई करेंगे। तो ये अंकल का स्टॉल काफ़ी था, तो अंकल हमसे सवालात भी किया कि क्या बना रहे हो, ये वो, बोले हम लोग से पूछताछ करो। हम लोग बोले हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग न्यूज़ रिपोर्टर ने की पूछताछ करेंगे। तो ये रहा मेन गेट कॉइन एग्जीबिशन का, कोलकाता कॉइन एक्सपो का। तो ये देखिए, हावड़ा ब्रिज का फोटोग्राफ्स हमें दिखाई दिया, और काफ़ी सारा कॉइन बंडल रखा हुआ था, और काफ़ी एंटिक सामान, मैच बॉक्स, पुराना एड्स का जो मतलब पेपर, न्यूज़पेपर, बहुत कुछ था। तो ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट से हमें जाना है 3rd फ्लोर, कॉइन एग्जीबिशन लगा है 3rd फ्लोर में। तो चलिए 3rd फ्लोर चाहते और देखते वहाँ का क्या मंज़र है। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम बैंक्वेट, जहाँ पर लगा है इंडियन कॉइन एक्सपो 2023। तो हमने यहाँ आया, व्लॉग बनाया, वीडियो अलाउड नहीं था, तो अंदर थोड़ा बहुत क्लिप हमने लिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 3 दिन के लिए लगा है, तो अगर मैं वीडियो आप लोग देख रहे हो, और अगर
लगा हुआ है, तो आके आप लोग कॉइन ले सकते हैं। यहाँ बहुत सस्ते से लेकर महंगे तक का भी कॉइन मिलेगा। अगर आप कॉइन कलेक्टर है या आपको कॉइन कलेक्ट करना है या आप शौक रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। फॉरेन से लेके ओल्ड कॉइन भी आपको यहाँ मिलेगा। तो लोकेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे दोस्त, और एक बहुत बड़ी सूचना कि अंदर व्लॉगिंग करना, कोई भी तरह का फोटोग्राफ्स और वीडियो करना मना था, तब भी मैंने आप लोग के दिखलाने के लिए स्पेशल वीडियो किया। काफ़ी लोगों ने मुझे रोका पर मैं करता रहा वीडियो। मैं कोशिश किया कि आप लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो दिखलाऊँ ताकि आपको भी नॉलेज हुई इस यूनिक कोई चीज़ के ऊपर कि कॉइन के भी कलेक्टर लोग कितने बड़ा दुनिया के। एक एग्जीबिशन लग रहा है, उसमें हज़ारों लोग आ रहे, विजिट कर रहे हो। ये एग्जीबिशन 3 दिन तक चला हमारे कोलकाता में, और ये ऐसे देश में हर मंथ हर अलग अलग सिटी में लगते रहता है। तो अगर कोलकाता में नेक्स्ट टाइम लगेगा तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से सूचना दे दूंगा कब लगने वाला है, तो आप लोग भी जाके विजिट करना। मैंने बहुत मुश्किल से कैमरा किया, इसलिए गाइस कैमरा उतना प्रॉपर नहीं मैं कर पाया, उतना उठा के पूरा हॉल का मैं सही से या अंदर जाके खुद का सेल्फी करके व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ वीडियो बनाना, क्योंकि जो स्टॉल वाले देख रहे थे वो मुझे मना कर रहे थे वीडियो ये करने। तो फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से काफ़ी अच्छा वीडियो को, और एक और ट्विस्ट की बात ये थी कि यहाँ से फॉरेन लोग भी, तंजानिया के भी वहाँ पर लोग, मतलब सेलर लोग आए हुए थे, फॉरेनर सेलर भी आए थे, वो भी अपना कॉइन यहाँ सेल करने आए थे, अपने कंट्री का या एंटीक कॉइन वो लोग भी रखे थे, वो लोग भी सेल कर रहे थे और ख़रीद भी रहे थे। यहाँ आप अपने कॉइन बेच भी सकते हैं, ये भी इस एग्जीबिशन का एक मोटिव है कि आप सेल भी कर सकते हैं अपना कॉइन और यहाँ से अच्छे कॉइन बाय भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए है, सेल और बाय दोनों के लिए। ये देखिए, ये तंजानिया से ये लोग आए हुए थे, दो जन थे, दोनों बाहर फॉरेन देश के थे, तंजानिया इन्होंने अपना होम कंट्री बताया, और ये यहाँ पर इंडियन कॉइन्स को भी एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ से इंडियन कॉइन भी ले रहे थे और अपना तंजानिया का नोट्स वगैरह कॉइन वगैरह बेच रहे थे। तो यही तो कुछ एग्जीबिशन का सीन, हम लोग ने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, सबने कैमरा में रखा दिया। तो अभी लिफ्ट में, तो लिफ्ट से हम लोग चलिए बाहर जाते हैं और बैंकेट से निकल के थोड़ा बहुत स्टॉल दिखला के आपको अब घर की तरफ बढ़ेंगे। होप करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मिला होगा कैसे कॉइन एग्जीबिशन में आना, और कब आना तो मैं आपको इंस्टाग्राम में अपना सारा चीज़ डिटेल देते रहूँगा अपडेट। तो चलिए बाहर निकलते हैं इस बैंकेट से, स्टॉल पर आपसे बात करते हैं। तो गाइस, तो आप लोग अब बाहर आ चुके हैं हल्दीराम बैंकेट से, अब चलते हैं घर की तरफ। तो यही था कुछ वीडियो, होप करता हूँ वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर देंगे और अच्छा से, और थोड़ा बहुत अभी बाहर में भी स्टॉल से अगर वहाँ से आप लोग कुछ कॉइन खरीदते तो वो भी आप लोग को देगा। सो गाइस, फाइनली हमें मिल गया था टीपू सुल्तान का कॉइन, जो कि हमें पड़ा 200 का। अंकल 300 इसका प्राइस बता रहे थे, पर हमने डिस्काउंट करा के 200 में ले लिया, पर इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अंकल को उतना लग रहा नॉलेज नहीं था। सो यही स्टॉल से हमने ले लिया, तो अंकल को उतना नॉलेज नहीं था कि उसका कीमत और ज़्यादा था, पर हमने ले लिया क्योंकि वहाँ से काफ़ी नकली कॉइन भी थे, पर हमने ओरिजिनल पहचान लिया और हमने ले लिया ओरिजिनल कॉइन नकली के दाम पे। तो गाइस, तो हमने यहाँ पर से एक कॉइन ले लिया है, शिवाजी महाराज का कॉइन हमने स्टॉल से लिया है जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये हल्दीराम ऊपर बैंक्वेट में बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ, और उसके नीचे हल्दीराम के बाहर बैंक्वेट के बाहर यहाँ स्टॉल में भी लगा हुआ है, काफ़ी सारा कॉइन है यहाँ पर। तो आप लोग बाहर से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा लो रेंज का कॉइन मिलेगा और अंदर आपको थोड़ा हाई रेंज और बढ़िया क्वालिटी का कॉइन मिलेगा। तो लेट्स गो लवली पीपल, अब हम लोग घर के तरफ बाहर है गाइस। तो ये अभी खिदीरपुर में फिलहाल हम लोग है, तो न्यू ब्रिज वाला हम लोग फ्लाईओवर धर के पहुंच चुके हैं न्यू ब्रिज में गाइस। तो हम लोग घर जा रहे हैं, होप करता हूँ वीडियो आज का पसंद आया होगा, थोड़ा यूनिक लगा होगा आप लोग को, और हमको लग रहा है कि आप लोग को पसंद आया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था। अगर आप भी थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं कॉइन कलेक्शन का, फॉरेन कॉइन हो या एंटीक ओल्ड कॉइन हो, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और अपना कलेक्शन को सस्ते दामों से आप शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 1-1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना, आप यहाँ 120 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से भी अपना कॉइन का शौक पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहे, थैंक यू।